गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ किरण ढेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और आज हमारा जो टॉपिक है ऑफ सॉलिड स्टेट फिज़िक्स फ्रॉम फर्स्ट यूनिट की टाइप्स ऑफ लैटिस और ब्रेवर लैटिस, फंडामेंटल टाइप्स ऑफ लैटिस की सभी जो क्रिस्टल निकाय हैं उनको उनकी क्रिस्टलीय एक्स जो अक्ष होती है, उनके जो अक्षों के मध्य के जो कोण होते हैं उनके आधार पर मुख्य रूप से, मूलभूत रूप से सात क्रिस्टल निकायों में वर्गीकृत किया जाता है। और उनका जो जो एक्सिस हैं उनकी और उनके जो एंगल हैं उनके आधार पर उनको नाम दिया गया है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन सातों प्रकारों के बारे में। सभी क्रिस्टलीय निकायों को मुख्य रूप से सात प्रकार के क्रिस्टल निकाय में वर्गीकृत किया जाता है। तो ब्रेविन आपका साइंटिस्ट था, सबसे पहले उसी ने ये वर्गीकरण किया था। जो क्रिस्टल के अक्ष होती है ए बी सी और उन अक्षों के मध्य का जो अंतरअक्षीय कोण होता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा जैसे कि बी और सी के बीच का एंगल है, बीटा जैसे कि ए और सी के बीच का एंगल है और गामा जैसे बी और ए के बीच का एंगल है, तो इन कोणों के आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले 1848 के अंदर ब्रेवे नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि विभिन्न जालक बिंदुओं को 14 प्रकार से व्यवस्थित कर सभी क्रिस्टल को ज्यामिति संरचना को समझाया जा सकता है। यानी कि इसमें इनका वर्गीकरण इसी आधार पे हुआ है क्योंकि जो लैटिस पॉइंट होते हैं, जालक बिंदु होते हैं, उनको आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो मूलभूत रूप से हम 14 प्रकार से इन क्रिस्टल निकायों में जालक बिंदुओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसी आधार पर इनका नाम दिया गया, इनका वर्गीकरण किया गया है। इन जालकों को क्या कहते हैं, ब्रेवे लैटिस भी कहते हैं, ब्रेवे जालक भी कहते हैं। इन समूहों को, 14 जालकों का जो समूह है उनको हम ब्रेवे लैटिस भी कहते हैं। इनमें इन सातों जालक प्रकारों के नाम हैं। सबसे पहला है क्यूबिक या घनीय क्रिस्टल निकाय, दूसरा है टेट्रागोनल और द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टल निकाय, तीसरा है तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक या विषम लंबाक्ष क्रिस्टल निकाय, फोर्थ है रोम्बोहेड्रल और त्रिशमनताक्ष क्रिस्टल निकाय, पांचवा है हेक्सागोनल और षटकोणीय क्रिस्टल निकाय, छठा है मोनोक्लिनिक या एकंताक्ष क्रिस्टल निकाय, सातवां है ट्राइक्लिनिक या त्रिनताक्ष क्रिस्टल निकाय। तो इन क्रिस्टल निकायों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इनके अंदर किस तरीके से जालक बिंदुओं को व्यवस्थित किया गया है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टल निकाय जो है घनीय। देखो, घनीय मतलब क्यूबिक संरचना, यानी कि क्यूब कैसे बनता है, क्यूब के अंदर सभी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो बराबर होनी चाहिए और सभी के कोण जो है, सभी अक्षों के मध्य के जो कोण होते हैं वो क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। यानी कि ए बराबर बी बराबर सी एंड एल्फा बीटा और गामा जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसको हम कहते हैं घनीय क्रिस्टल निकाय। घनीय क्रिस्टल निकाय जो होता है उसमें लैटिस पॉइंट्स को तीन तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। इसमें तीन प्रकार के जालक होते हैं, एक होता है अभाज्य, दूसरा होता है अंतः केंद्रित और तीसरा होता है फलक केंद्रित। देखो, प्रिमिटिव या अभाज्य जो होता है उसके अंदर सिर्फ कोनों पर जालक बिंदु होते हैं, जैसे 8 कोने हैं तो इन 8 कोनों पर क्या होते हैं, जालक बिंदु व्यवस्थित रहते हैं। तो प्रिमिटिव के अंदर सिर्फ कोनों पर जालक बिंदु विद्यमान रहते हैं। उसके बाद दूसरा है अंतःकेंद्रित। अंतःकेंद्रित मतलब अंदर समाहित एक और बिंदु। तो 8 कोनों पर तो होते ही हैं जालक बिंदु, इसके साथ में क्या होता है, एक बिंदु जो होता है वो सेंटर में भी होता है। तो इसको आप सेंटर वाले पॉइंट से सभी कोनों को मिला दिया गया है। यानी कि इस स्ट्रक्चर को आपको ऐसे बनाना है, बनने के बाद थोड़ा सा समझना मुश्किल लगता है कुछ, क्या है, डायग्राम बनाने में मेरी भी गलती है ये, क्योंकि ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। जैसे एक सेंटर में होगा अंतःकेंद्रित में और 8 क्या है कोनों पर होंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर इसको 8 कोनों वालों को हम इससे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे तो ये अंतःकेंद्रित हो गया। फिर है फलक केंद्रित। क्यूबिक के अंदर 3 प्रकार के जालक हैं, प्रिमिटिव, अंतःकेंद्रित और फलक केंद्रित। फलक केंद्रित के अंदर क्या होगा, 8 कोनों पर तो होंगे ही सही और साथ में क्या होते हैं,
एक एक फलक पर भी रहते हैं, छह फलक है ना, तो ये आठ कोनों पर और इसके साथ ये फलकों पर, छह फलकों पे एक एक। फिर फलक वालों को भी क्या है, कोने वाले से मिलाते हैं, जिस फलक के कोनों पे जितने होंगे वो उससे मिल जाएंगे। जैसे ये फलक वाला है, ये इससे मिल जाएंगे। नीचे के बेस पे फलक वाले हैं तो ऐसे मिलाना है। जैसे मान लीजिए कोई फलक है ये, इस पे सेंटर में ये है और आठ कोनों पे है, एक का एग्जांपल देती हूँ, तो इस तरीके से आपको इसको मिलाना है। यानी कि क्यूबिक के अंदर तीन प्रकार के जालक हैं, प्रिमिटिव, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित। फिर है द्वि समलंबाक्ष, जैसा नाम है वैसा ही द्वि समलंबाक्ष, दो लंबाइयां समान रखनी है आपको। इसमें क्या है, दो लंबाइयां समान रहती है, ए बराबर बी, और तीसरी नहीं रहती। और इसके अंदर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का ही होता है। दो लंबाइयां समान और तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। इसमें क्या है, दो प्रकार के जालक पाए जाते हैं, एक तो होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है अंतः केंद्रित। इसमें सिर्फ इसके अलावा नहीं पाया जाएगा। प्रिमिटिव में तो आठ कोनों पर, और अंतः केंद्रित में आठ कोनों पर और साथ में क्या होता है, सेंटर में एक रहता है। ठीक है, उसके बाद है विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष में देखो क्या होता है, विषम लंबाक्ष के अंदर जैसा नाम है वैसे ही इसके अंदर जालक बिन जो जालक होगा या क्रिस्टल निकाय होगा उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो विषम लंबाक्ष मतलब सब लंबाइयां विषम, एक दूसरे से मिलती हुई नहीं होंगी। तो इसमें क्या होता है, ए बी और सी ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, और इसमें एंगल जो है अल्फा बीटा और गामा वो 90 डिग्री का ही होता है विषम लंबाक्ष में। इसमें जो जालक के प्रकार हैं वो चार प्रकार के जालक होते हैं। पहला है प्रिमिटिव, दूसरा है बेस सेंटर्ड, तीसरा है बॉडी सेंटर्ड और चौथा है फलक केंद्रित। तो अभाज्य मतलब प्रिमिटिव, आठ कोनों पर। दूसरा जैसे बेस सेंटर्ड, तो इसमें क्या होता है, जैसे एक तो होता है बॉडी सेंटर्ड या अंतः केंद्रित, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। तो अंतः केंद्रित में तो क्या होता है, जैसे सेंटर में एक पॉइंट और होता है, आठ कोनों पर होते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये मैंने शो करना भूल गई हूँ, आठ कोनों वाले। बेस सेंटर्ड में भी क्या होता है, आठ कोनों पर तो होंगे लेकिन ऊपर और नीचे के फलक पे एक एक और होता है, बस इससे अलावा नहीं होएगा। सिर्फ क्या है, ऊपर और नीचे के फलक पर एक एक परमाणु या एक एक जालक बिंदु जो है वो एक्स्ट्रा होता है, आठ कोनों पर होते हैं। यहाँ पर ये शो कर लेना आप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बेस सेंटर्ड, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड में आठ कोनों पर और एक बीच में, और फलक केंद्रित में सभी फलकों पर और आठ कोनों पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फलक केंद्रित। इसमें भी क्या है, आप यहाँ पे ये करना, डायग्राम बनाते समय मुझसे कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं, तो इसको आप सही कर लेना, आठ कोनों पर भी कर लेना। तो विषम लंबाक्ष के अंदर चार प्रकार के क्रिस्टल निकाय जालक होंगे, प्रिमिटिव, आधार केंद्रित यानी कि बेस सेंटर्ड, और अंतः केंद्रित यानी कि आधार मतलब बेस पे सेंटर्ड यानी कि बेस सेंटर्ड, और अंतः मतलब अंदर तो बॉडी सेंटर्ड, और फेस यानी कि फलक पे फलक केंद्रित, प्रिमिटिव यानी कि अभाज्य। ओके, उसके बाद है रोम्बोहेड्रल या त्रिशमनताक्ष। तो त्रिशमनताक्ष में क्या होता है, तीनों ही लंबाइयाँ जो होती हैं वो समान होती हैं लेकिन तीनों कोण जो हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते। ये गलत बन गया था, ये सही डायग्राम है। इसमें जालक का जो प्रकार है वो सिर्फ प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव टाइप का लैटिस निकाय लैटिस होता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, ए और बी और सी तीनों क्या हैं, बराबर होती हैं, लेकिन क्या है, अल्फा बीटा और गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये क्या होते हैं, 90 डिग्री के तो नहीं होते लेकिन लेस देन 120 डिग्री होते हैं, 120 डिग्री से कोण जो है इनका कम होता है लेकिन 90 के नहीं होते हैं, ठीक है। ये होता है त्रिसमनताक्ष, रोम्बोहेड्रल। उसके बाद हम बात करते हैं हेक्सागोनल की। तो हेक्सागोनल की स्ट्रक्चर ये दिखाई गई है। इसको बनाने का एक और तरीका होता है, आप ऐसे भी बना सकते हो, आप इस तरीके से जैसे केमिस्ट्री में बेंजीन बनाते हो ना, उसी तरीके से ऐसे बना लो इसको, इससे एक मिनट रुकिए। तो इसको इससे जोड़ो, 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 इस तरीके से। तो ये क्या स्ट्रक्चर बन जाती है, हेक्सागोनल, षटकोणीय। इसके अंदर क्या होता है,
इसके अंदर दो भुजाएं बराबर होती है और एक भुजा जो है वो असमान होती है, यानी कि ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी। और इसमें अल्फा और बीटा जो है वो तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन गामा जो है वो 120 डिग्री का होता है। अल्फा बीटा क्या है, 90 के, और गामा जो है वो 120 का होता है। तो इसमें ये एंगल, जैसे ये वाला तो क्या है इधर, ये तो क्या है 90, ठीक है। और उसके बाद में इसमें जो ये वाला एंगल रहता है वो क्या है, 120, ओके। इसी तरीके से इसमें जैसे ये लंबाइयाँ जो हैं ए ए, तो ये तो क्या है बराबर, ये तीसरी जो हाइट वाली रहती है ना वो क्या रहती है, सी, डिफरेंट रहती है, ये ज़्यादा रहती है, बाकी सब लंबाइयाँ क्या रहती हैं, समान। तो इसमें ए बराबर बी बराबर नॉट इक्वल टू सी, तो दो तो बराबर, तीसरी बराबर नहीं। इसी तरीके से अल्फा बीटा 90 और गामा 120, ठीक है। ये एक ही तरीके का जालक होता है प्रिमिटिव टाइप का हेक्सागोनल के अंदर। फिर है मोनोक्लिनिक या एकांताक्ष, तो इसमें भी दो प्रकार के जालक होते हैं, एक तो होता है प्रिमिटिव और दूसरा होता है बेस सेंटर्ड। तो प्रिमिटिव में तो सिर्फ 8 कोनों पर होते हैं, और बेस सेंटर्ड में क्या होता है, 8 कोनों पर, और इसके अलावा क्या होते हैं, बेस पर, ऊपर और नीचे का जो बेस होता है उस पर एक एक जालक बिंदु विद्यमान रहता है। और एकांताक्ष जो होता है, इसमें मैंने लिखा नहीं है, इसमें ना ही तो लंबाइयाँ बराबर होती हैं और ना ही क्या है कोण, इसमें अल्फा और गामा 90 के होते हैं और बीटा जो है वो 90 का नहीं होता है। इसमें आप लिख लेना, वैसे यहाँ पे मैंने टेबल में लिखा हुआ ही है, ठीक है। क्या होता है इसमें, अल्फा और गामा ये तो है 90 और बीटा क्या है नॉट इक्वल टू 90, और इसमें ए बी और सी ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एकांताक्ष या मोनोक्लिनिक की। और ये किस टाइप का होता है, प्रिमिटिव और बेस सेंटर्ड। तीसरा है त्रिनेताक्ष, तो त्रिनेताक्ष में क्या होता है, ये सिर्फ प्रिमिटिव टाइप का होता है और इसमें सभी अक्ष एवं कोण, तो इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ प्रिमिटिव टाइप का लैटिस होता है जिसमें सिर्फ कोनों पर 8 जालक बिंदु विद्यमान होते हैं। और ये भी एक व्यापक प्रकार का जालक होता है, सभी अक्ष एवं कोण जो हैं वो असमान होते हैं, यानी कि ना ही तो लंबाइयां बराबर होती है और ना ही एंगल बराबर होते हैं। अब इन सातों क्रिस्टल निकायों को एक्साई करके एक टेबल बना दी गई है, ये टेबल, ओके। और इसके अंदर क्या है, सभी के बारे में लिखा गया है, इस टेबल से भी आप इनको याद कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने यहाँ लिख दिया PIF का मतलब प्रिमिटिव, और बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ठीक है। प्रिमिटिव को तो P से, बॉडी सेंटर्ड को I से लिखते हैं, और फेस सेंटर्ड को F से लिखते हैं। ये जालकों की संख्या और प्रकार है, जैसे तीन जालक है ना PIF, तो तीन, PI तो दो, इसमें PCIF यानी कि बेस सेंटर्ड भी है जिसको सी से लिखते हैं, तो ये चार, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एक एक, पी सी, प्रिमिटिव और बेस सेंटर्ड यानी कि दो, और सिर्फ प्रिमिटिव यानी कि एक। ये अलग अलग के लिए सबके लिए टेबल बनाई गई है। घनीय में तीन प्रकार के, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, त्रिसमताक्ष, षटकोणीय, एकांताक्ष, त्रिनेताक्ष, इन सब के बारे में, इनकी एक्सिस कैसी होंगी, लंबाइयाँ कैसी होंगी, और इनके बीच के एंगल जो हैं, अक्षीय कोण कैसे होंगे, वो सब लिखे गए हैं। साथ में ये क्या है, कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं कि किन किन तत्वों में या एलिमेंट्स में, है ना, ये पाए जाते हैं, इस तरीके की क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है, ये बताया गया है। इनको याद करने का सीधा तरीका है CTROHMT, पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे नहीं लगता ऐसे याद करना पड़ता है। ये CTRO तो मतलब क्यूबिक, टी मतलब टेट्रागोनल, ओ मतलब ऑर्थोरोम्बिक, आर फॉर रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। और वैसे हिंदी में भी याद करोगे तो भी आसान है, सात ही नाम है, ज़्यादा डिफरेंट डिफ़िकल्ट है नहीं। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, और आप इसको अच्छे से स्टडी करना, खुश रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, धन्यवाद।